स्टार्ट किया गया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और स्पेशल अधिकारी भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना विभिन्न तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। बाद में हमारे मैं भी वहाँ पहुँचा, हमारी पूरी टीम लग गई, बीच में हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय आईजी सर और डीआईजी साहब भी वहाँ मौके पर आए और उन्होंने विभिन्न निर्देश दिए। इन सब के परिणामस्वरूप हमने विभिन्न एंगल्स पर हमने विवेचना स्टार्ट की और अंतोगत हमने ये जानकारी पता कर ली कि ये जो इनका विवाद हुआ था इसमें मृतक ऋषभ जैन ने वहाँ एक देगवा के सुरेश चौधरी का एक रेत का डंपर खाली कराने के लिए विक्की पटेल इससे डंपर लिया था, वहाँ पर उसको भिजवाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से डंपर खाली नहीं हो पाया था तो उसको खाली याद ही वहाँ से डंपर में जो बैठे हुए थे गुड्डा ठाकुर और दूसरा आपका सौरभ से लौट रहे थे, तो बीच में इनके देगवा के पास ठिकरा के पास और पुलिया के पास उनका कुछ बीच में जब ये वहाँ जा रहा था कि किन कारणों से उसका डंपर खाली नहीं हो पा रहा है उस पर से उनकी कुछ कहा सुनी हुई और उन दोनों ने फिर आपस में हाथापाई हुई और जब बात ज़्यादा आगे बढ़ गई तो इन दोनों ने गुड्डा ठाकुर ने और दूसरा सौरभ सेन ने उसको पत्थर पटक के हत्या कर दी और बाद में जब उन्हें लगा कि व्यक्ति खत्म हो गया तो उन्होंने लाश को छुपाने के उद्देश्य से उसको उठा के दूसरी तरफ उसमें खर्ची में फेंक दिया, बाद में लोग चले गए। ये निश्चित रूप से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, उसमें हमने विभिन्न एंगल्स पर विवेचना की, हमारी पूरी टीम लगी रही और अंतोगत्वा हमने इन लोगों ने स्वयं कबूल किया है कि साधारण सी एक छोटी सी बात पर से कि उसमें उनको यह था कि उनका डीजल का पैसा भी दो, इतना हमें परेशान किया, इस बार से थोड़ी बहुत कास होने के कारण ये घटनाक्रम हुआ है। मृतक की भी उम्र 23 साल थी, ये भी छोटा लड़का है, ये भी अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कमाना खाना चाहता था। अचानक ही घटना हुई है, इसलिए ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि कहीं किसी की कोई साजिश हो, कोई प्री प्लान मर्डर, ऐसा कोई भी अभी तक तो समझ नहीं था। बहुत जल्दी नहीं, वो व्यक्ति बहुत एंग्जियस था, दोनों पक्ष भी एंग्जियस थे, ये भी ये चाह रहा था कि हम भी बहुत जल्दी 18 साल की उम्र में हम लगातार अच्छा काम करें, अच्छा पैसा कमाएं। और ऋषभ जैन भी चूँकि उसके पिता भी बहुत साधारण है, उनका परिवार बहुत ही साधारण है और ये व्यक्ति अच्छा मृतक अच्छा कमाने लगा था, निश्चित रूप से और तरक्की करना चाहता था। उसने बोला था मेरी देगवा में साख गिरी जा रही, मैं जाके देखता हूँ। जब उसका वहाँ पे रात में किसी और व्यक्ति से बात हुई, उसने बोला था कि यार वहाँ पर डंपर खाली नहीं हो रहा है और मेरी साख गिरी जा रही, मैं भैया वहाँ जाके देखता हूँ फिर बात करता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा आतुर था, बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए आकर्षित था।